बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 करने जा रहे हैं और मैथ आपके पास है सेकंड ईयर की, और इसके क्वेश्चन नंबर हम 2 के कुछ पार्ट्स करते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है कि आप इसको वीडियो को देखेंगे, और कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन में कहीं कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको लाजमी शेयर कीजिएगा। हमारे बेटा एक्सरसाइज है 2.4, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन 2 में कुछ पार्ट्स हम डिस्कस करते हैं। द फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इफ़, जो फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है जी, 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। देखिएगा इसका सॉल्व आउट किस तरह करेंगे कि जैसे हम डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स की बात हम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें यूँ होगा कि 3 है, कांस्टेंट आपके पास आ रहा है, तो x का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या होगा, यानी x का डेरिवेटिव इसको मैं लिखता जा रहा हूँ, तो दैट विल बी प्लस 4 है और कांस्टेंट है ये, तो y का भी आपका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। ठीक है, और जो डेरिवेटिव के लिए हम इसको और डिनोट कर लेते हैं, लाइन लगा देते हैं, इसको पार कर लेते हैं, और बेसिकली देखें जो कांस्टेंट का भी हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये है कि ये कांस्टेंट वैल्यू आ रही है और ये फंक्शन आ रहा है, तो एक्स का डेरिवेटिव क्योंकि हम विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे होते हैं तो आपका वो आ जाता है 1। ठीक है, लेकिन जब आपके पास ये भी कांस्टेंट है 4, और जब हम वाई का डेरिवेटिव लेंगे, जहाँ पर भी हम वाई का डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो अब आपके पास वाई का जब डेरिवेटिव होगा तो दैट विल बी डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है जी, 0, उसको मतलब हम 0 लिख दें या ना लिखें हो तो एक ही बात आ गई। अब देखें, यू हैव टू फाइंड आउट द डी वाई ओवर डी एक्स, तो फिर हम ये कर लेते हैं, पहले इस 3 को अगर हम उस साइड पे ले जाएं तो दैट विल बी 4 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -3, तो दैट विल बी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -3/4। ठीक है, ये जस्ट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक,